हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 अक्टूबर को जो है आज यानी कि आज की डेट में दशहरे के दिन जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं वो भी आपको मतलब वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि मतलब आज की डेट में आ जाएगा। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी मतलब अपने जो आर्टिकल्स हैं वो लिख रहे हैं कि मतलब 15 अक्टूबर तक आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो क्या है पूरी सच्चाई, अब इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसमें मैं आपको जो है ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जो कि मैंने रेलवे को कॉल लगाया था, वहां से मुझे क्या रिप्लाई मिला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। ठीक है, क्या आज आएगा रिजल्ट? तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मैं आपको वेबसाइट भी चेक कर कर बताऊंगा कि आज आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी रेलवे या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ 18 की न्यूज़ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है RRB NTPC CBT 1 का रिजल्ट जल्द, यानी कि 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स का इंतजार है जल्द रिजल्ट आने का। ठीक है, रेलवे भर्ती ये लिखा हुआ है। देखिए, चलिए मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। देखिए, RRB CBT 1 NTPC रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, नई दिल्ली NTPC रिजल्ट, रेलवे बोर्ड ने RRB NTPC CBT 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषणा अभी तक नहीं की है। देखिए यहाँ पर बोला गया अभी तक जो है नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, लेकिन इसके रिजल्ट का इंतजार 1.25 करोड़ जो विद्यार्थी कर रहे हैं। और देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यहाँ पर लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा 1 का रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर तक जारी किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ संभावना जताई जा रही है, यहाँ पर इनको भी नहीं मालूम है कि रिजल्ट कब आएगा। अब चलिए मैं आपको वेबसाइट जो ऑफिशियल है वहाँ पर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की वेबसाइट है। ठीक है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं, मैं आपका दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया। देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है लेटेस्ट अपडेट दिखाई जाती है। देखिए, तो 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर का लेट अपडेट डला हुआ जो कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट को लेकर है। अभी तक जो है आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। हो सकता है शाम तक आपको देखने को मिले, क्या पता मीडिया वाले सच बोल रहे हैं। तो आप जो है लगातार बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जो कि मैंने कॉल लगाया था रेलवे में। तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो नमस्कार सर। सर ये पूछना था NTPC CBT का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अभी प्रोसेस में है, अभी तो टाइम लगेगा, जब आएगा हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वैसे तो नहीं सर, वैसे कल परसों न्यूज़पेपर में आया था कि 15 तारीख को आ रहा है। इससे नहीं, नहीं ये र्यूमर है, 15 तारीख को कहाँ आ जाएगा, 15 तारीख तो कल की है। हाँ जी, तभी बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ मना किया है कि ये एक र्यूमर है, अफवाह उड़ाई गई है। बोला है अभी ऐसी कोई डेट नहीं है, जैसे ही आएगा वो आपको तुरंत जो है वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यार, झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम आपको एक सही न्यूज़ दे पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।